नमस्कार, मैं स्नेहा राउत, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। खास खबर पर एक नजर। लोकसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना के खिलाफ जा सकता है मराठा क्रांति मोर्चा। मराठा क्रांति मोर्चा लोकसभा चुनाव में प्रदेश की भाजपा शिवसेना सरकार को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। चुनाव में मराठा क्रांति मोर्चा भाजपा शिवसेना के खिलाफ मतदान का फैसला ले सकते हैं। रविवार को दादर के राजश्री शाहू महाराज सभागृह में मराठा क्रांति मोर्चा की बैठक हुई। इसमें नई दिल्ली, ठाणे, पालघर, रायगढ़ सहित आसपास के जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मराठा आरक्षण, मेगा भर्ती और छात्रवास समेत अन्य समस्याओं पर चर्चा हुई। मराठा क्रांति मोर्चा के संयोजक वीरेंद्र पवार ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि विभिन्न मुद्दे पर राज्य सरकार भी भूमिका लेकर मराठा समाज में नाराजगी है। आने वाले 2 से 3 दिनों में मराठा क्रांति मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा कि आखिर हम भाजपा और शिवसेना को वोट क्यों दें।